हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री में चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु या अधातु पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाए हुए हैं, इसमें हम भौतिक गुण के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहला क्या है, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटल होता है उनसे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसका मतलब है कि जिस चीज से हम लोग को करंट लग सकता है वो क्या होगा, मेटल होगा। जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए हम लोग वायर में कॉपर और एल्युमिनियम जैसे मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं यानी कि हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक साइड उस चीज को हीट करेंगे तो दूसरे साइड भी हीट हो जाएगा। कोई लोहा का रॉड होता है या कोई चीज होता है, लोहा का बर्तन, उसको जब हम लोग एक साइड गर्म करते हैं तो दूसरे साइड भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोहा है वो ऊष्मा का सुचालक है यानी गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। मतलब दोनों, विद्युत भी और ऊष्मा भी, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों पास होगा। एक साइड हीट देने पर दूसरा साइड हीट आएगा, एक साइड करंट देंगे तो दूसरा साइड करंट उससे होके पास हो जाएगा, तो वो धातु होते हैं। अधातु क्या होते हैं, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल में क्या होगा, ना तो करंट पास होगा यानी ना ही विद्युत पार होगा और ना ही गर्मी। एक साइड अगर हीट करेंगे, एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरा साइड गर्म नहीं होगा, क्योंकि अधातु जो होते हैं नॉन मेटल होता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी में अगर एक साइड आग लगा हुआ रहता है और हम लोग लकड़ी को दूसरा साइड छूते हैं तो क्या हम लोग को गर्मी महसूस होता है, इस साइड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लकड़ी जो है वो एक अधातु है, नॉन मेटल है, उससे गर्मी जो है, हीट जो है वो पास नहीं होता है। इसी तरह प्लास्टिक होता है, बहुत सारा बर्तन में जो बहुत सारा खाना बनाने वाले जो किचन में बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का हैंडल दिया हुआ होता है, जिससे क्या होता है, जो मेटल का बर्तन है वो गर्म होता है लेकिन प्लास्टिक गर्म नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग उस चीज को छू पाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक अधातु है, नॉन मेटल है, और उसके कारण वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होता है। यहाँ हम जो ब्लू कलर में लिखे हुए ग्रेफाइट, ये एक नॉन मेटल है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है ग्रेफाइट, ये क्या है, एक नॉन मेटल, एक अधातु है। ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल में काला कलर का यूज होता है, जो हम लोग लिखते हैं, जो पेंसिल के बीच में ब्लैक कलर का रहता है वो ग्रेफाइट होता है, उससे हम लोग को करंट लग सकता है। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में उसको घुसा के नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा गुण देखते हैं हम लोग, धातु क्या होते हैं, आधातु वर्धी होते हैं एवं तन्य होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब क्या है, आधातु वर्ध्य का मतलब क्या होता है, आधातु वर्ध्यता क्या है, मेटल्स का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिनके कारण उनको हम लोग पतला चादर बना सकते हैं वो आधातु वर्ध्यता कहलाता है, और धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पतला तार के रूप में, पतला वायर्स के रूप में खींच सकते हैं वो तन्यता कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग घर में वायर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसको जब देखिएगा तो उसमें पतला पतला वायर, बहुत सारा पतला पतला वायर रहता है, तो उसको उतना पतला कैसे कर पाए, क्योंकि वो मेटल है। मेटल क्या होते हैं, तन्य होते हैं यानी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको पतला तार के रूप में खींच सकते हैं, और इसीलिए उन लोग का यूज होता है तार बनाने में। ठीक है, लेकिन अधातु में क्या होती है, आघात वर्ध्य एवं तन्य नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं,
भंगुर होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, इन लोग आघात वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसको पीटेंगे तो वो पतला सीट में चपटा हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटल को जब पीटेंगे तो वो क्या होगा, ब्रिटल रहता है, तो जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, वो भंगुर होते हैं, मतलब पीटने से वो चूर हो जाएंगे, वो तार या सीट नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है धातुओं में चमक होती है, जितना भी मेटल होता है उसमें एक स्पेशल चमक होता है, सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, आयरन जो होता है, लोहा, उसमें भी चमक होता है। जब घर कहीं बनता है वहां पे जब रॉड को काटा जाता है तो देखिएगा वो चमकता है, जहां पे काटता है वहां पे देखिएगा वहां चमकता हुआ महसूस होगा, और बाहर से नहीं दिखता क्योंकि वो जंग लग जाता है इसीलिए वो नहीं दिखता, लेकिन जब उसको काटता है तो अंदर साइड में चमकता है। तो इससे पता चलता है कि जो मेटल्स होता है वो लस्टरस होते हैं, मतलब उनमें चमक होती है, ठीक है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, देखिए यहाँ पे जो आयोडीन है एक नॉन मेटल होते हुए भी चमकता है, ठीक है। जितना मेटल होता है वो सब चमकते हैं, नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी चमकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सभी धातु में ठोस होती है, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर या जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें क्या होते हैं, जो धातु सब होते हैं वो सब सॉलिड अवस्था में रहते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, मरकरी। ये जो है पारा जो है मरकरी, ये धातु होते हुए भी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और अधातुएं जो होती है वो ठोस, और अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में, किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है, ठीक है। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कोई भी हो सकता है नॉन मेटल, लेकिन जो मेटल होते हैं अधिकतर क्या, लगभग सभी मेटल जो है वो सॉलिड ही होते हैं, बस एक मेटल है मरकरी, पारा जो है वो लिक्विड में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ नाम लिखे हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये भी सॉलिड ही होते हैं, लेकिन इन लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अधिकतर मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जो है वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन के जैसे, बटर के जैसा काट सकते हैं। तो वो कौन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है इनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, ये मेटल है जिनको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग मेटल और नॉन मेटल का भौतिक गुण के आधार पर, ये क्या था, भौतिक गुण के आधार पर हम लोग देखे थे, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग ये देखे मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल का गुण देखेंगे।